यानी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और फिर आपका फ्रेंड आपको फोन कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको स्पेयर मनी में से पैसा दे रहे हो, तब तो ठीक है, और ये सोच करके दे रहे हो कि मैंने दे दिया और टॉपिक क्लोज, ये वापस नहीं आएगा, ना मैं दोबारा कभी मांगूंगा ना वो वापस करेगा, वापस आ गया तो बोनस है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट गिव दैट मनी, मना कर दो। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंडशिप की, वो ये है कि दो लोगों में कुछ कॉमन होना चाहिए जो दोनों चाहते हैं, और जब वो मिल जाता है उसको फ्रेंडशिप कहते हैं। मैंने क्या कहा कि दोनों का एक कॉमन गोल होना चाहिए तो दोस्ती पॉसिबल है। अब वो कॉमन गोल शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हो सकता है। अगर वो शॉर्ट टर्म में अचीव हो गया तो शॉर्ट टर्म में दोस्ती भी खत्म हो गई, लॉन्ग टर्म में अचीव हुआ तो लॉन्ग टर्म तक वो दोस्ती चली, लाइफ टाइम है तो लाइफ टाइम चल गई। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या क्या कॉमन है और क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग है। जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज है उनको अवॉइड करो, वहां पे लाइन ड्रॉ कर दो, और जो कॉमन एरियाज है उसको डिस्कवर करो और उस पर फोकस करो, तो दोस्ती गहरी होती चली जाएगी, दोस्ती पक्की होती चली जाएगी। इमोशनल होकर के नहीं सोचना होता है कि हम दोस्त है तो अब मैं तेरे लिए जान दे दूंगा तू मेरे लिए जान दे देगी, ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ऐसे ही अगर कोई इंसान है जो आपको समझ आ रहा है कि वो अनफेयर है, अनएथिकल है, इमोरल है, डिसऑनेस्ट है, तो उसको कल क्यों, आज ही खत्म करो ना। जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आपको समझ आ रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, कि आपको चाहिए कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हंसी मजाक, आपको हंसते खेलते रहना है, आपको सीरियस लाइफ नहीं पसंद, और सामने वाला बंदा इतना सीरियस है हर चीज को लेकर के जिसकी कोई हद नहीं है, फन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है उसको पता ही नहीं है, आप जैसे ही एक जोक क्रैक करते हो सामने वाला सीरियस हो जाता है, तो ऐसे इंसान के साथ क्यों शादी करनी है। ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है, नेटवर्किंग कैसे होती है, और नेटवर्किंग क्या होती है। आज मेरा अपना एक नेटवर्क है, कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और वो आज से नहीं जुड़े हुए हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, सब वहीं के वहीं हैं। अब ये नेटवर्किंग क्या होती है, ट्रस्ट क्या होता है, उनको मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, मेरे को उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, बस मेरे को बोलने की देर है, मेरे को और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैंने बोला तो काम हो गया, उन्होंने बोला तो काम हो गया। अब ये कैसे होता है, ये होता है कमिटमेंट पे टिके रहने से, उससे नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। दूसरी नेटवर्किंग जिसको हम नेटवर्किंग समझते हैं, अरे वो तो कुछ नहीं है, वो तो नकली नेटवर्किंग होती है, कि आप गए किसी के साथ में कॉफी पी रहे हो और स्माइल पास करी और बात करी, सामने वाले को जब समझ आएगा कि आप नकली हो तो सारी नेटवर्किंग सब बेकार हो जाएगी। सारा खेल असली नकली का होता है ट्रस्ट में और नेटवर्किंग में। आपकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए कि इफ यू आर सेइंग समथिंग यू मस्ट मीन इट और डोंट से इट, एंड इफ यू से इट स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, चाहे आपको शॉर्ट टर्म में लॉस भी होता है। That is the secret of trust and networking. तब सामने वालों को आपके ऊपर blind faith हो जाता है और आपको उनके ऊपर. Under commit and over deliver. कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो.